हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भानीराम डाल। दोस्तों, अपने वेजिटेबल क्लासिफिकेशन के दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये अपना तीसरा वीडियो है। पीछे के दो वीडियो में ऑलमोस्ट अपने सारे क्लासिफिकेशन डिस्कस कर चुके थे, सिर्फ अपना बचा हुआ था बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, वानस्पतिक वर्गीकरण। इस वीडियो के अंदर अपने कंप्लीट करेंगे वानस्पतिक वर्गीकरण और ये अपने क्लासिफिकेशन का लास्ट वीडियो है। देखो, क्लासिफिकेशन में, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में अपने कॉमन नेम, बॉटनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम, फैमिली कुल, क्रोमोजोम नंबर, ओरिजन, उत्पत्ति स्थल और एडिबल पार्ट। तो देखो, जो सब्जियां हैं, सबसे पहले अपने बात करते हैं मोनोकोट वेजिटेबल की, जो एक बीजपत्री सब्जियां हैं उनकी। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का अलग अलग अपने क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी जो वेजिटेबल है वो मोनोकोट है या मोनोकोटाइलडेंस है। तो सबसे पहले अपने बात करें मोनोकोट की या फिर एक बीजपत्री की। तो सबसे पहले इसमें आएगा गार्लिक, लहसुन। बॉटनिकल नेम है एलियम स्टाइवम। फैमिली है एलिएसी। एलिएसी का दूसरा नाम होता है एमारिलिडिएसी। क्रोमोजोम नंबर होते हैं 16। द्विगुणित गुणसूत्र संख्या होती है 16। और ओरिजिन जो है वो है सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया। और जो खाने योग्य भाग होता है वो क्लो। इसमें जो अपने पूरे का पूरा क्लो से बना होता है उसको बोल देते हैं बल्ब। और बल्ब के एक पार्ट को, एक कली को अपने क्या बोल देते हैं, क्लो बोल दिया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें अनियन, प्याज। बॉटनिकल नेम है एलियम सेपा। फैमिली एलिएसी या फिर एमारिलिडिएसी। क्रोमोजोम नंबर सेम ही है लहसुन के जितने ही 16। ओरिजिन भी सेम ही है सेंट्रल एशिया। और जो एडिबल पार्ट है वो बल्ब। बल्ब होता है वो पत्तियों का और तने का मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन जो खाया भाग जाता है वो सिर्फ लीफ खाई जाती है, यानी एडिबल पार्ट होता है बल्ब में लीफ। नेक्स्ट अपने बात करें सैलोट, ये भी प्याज के ही कुल का है, एलियम सेपा वेराइटी। एस्कोलोनिकम, फैमिली है एलिएसी। क्रोमोजोम नंबर 2 अनइक्वल टू यानी द्विगुणित गुणसूत्र संख्या 16। देखो, द्विगुणित जो गुणसूत्र संख्या होती है अपने जनरली 2n लिख देते हैं, तो ये द्विगुणित गुणसूत्र संख्या यहाँ पे 16 है। अगर आपसे पूछ ले कि अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है या हैप्लोइड क्रोमोजोम नंबर कितने हैं, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगुणित गुणसूत्र संख्या एडजस्ट हो जाती है आधी अपनी, 8। तो यहाँ तो अपने द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या की बात ही करेंगे। और जो सैलोट होता है उसमें एडिबल पार्ट होता है वो बल्ब ही होता है। नेक्स्ट अपने बात करें, इसके अलावा जो लीक होता है वो भी एलिएसी फैमिली से ही बिलोंग करता है, और भी कई है लेकिन अपने मेन जो कमर्शियल है उनको ही यहाँ पे इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है एलिफेंट फूट याम। एलिफेंट फूट याम है उसको अपने बोलते हैं एमेरोफोफाइलस कैम्पानुलेटस। एमेरोफोफाइलस कैम्पानुलेटस, फैमिली है इसकी एरिकेसी। ओरिजिन है, सॉरी, इसका क्रोमोजोम नंबर है 2 अनइक्वल टू द्विगुणित 26। और जो इसका एडिबल पार्ट होता है कोरम, कोरम बोले तो घन कंद होता है। नेक्स्ट अपने बात करें कोलोकेशिया या फिर टारो या फिर अपने बोल देते हैं अरबी। तो इसका बॉटनिकल नेम है कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। फैमिली है इसकी भी एरिकेसी। गुणसूत्र संख्या, क्रोमोजोम नंबर, डिप्लॉइड होते हैं 28। और इसका उत्पत्ति स्थल है वो अपना है श्रीलंका। एडिबल जो पार्ट है, पत्तियां भी खाई जाती है और इसका कोरम यानी इसका घन कंद भी खाया जाता है। इसकी जो पत्तियां होती है उनकी, मतलब हरे पत्ते के रूप में सब्जियां बनती है। नेक्स्ट अपने बात करें एस्पेरेगस। एस्पेरेगस बोले तो सतावरी। बॉटनिकल नेम है इसका एस्पेरेगस ऑप्सिनेलस। फैमिली है इसकी लिलियसी। और गुणसूत्र संख्या होते हैं 2 अनइक्वल टू 20। उत्पत्ति स्थल है इसका यूरोप और एशिया। और एडिबल जो पार्ट होता है वो स्प्रियोस या फिर अपने बोल देते हैं तना, स्टेम होता है वो इसका एडिबल पार्ट होता है। स्टेम को अपने स्पियर्स बोल देते हैं, तो ये इसके एडिबल पार्ट है वो स्पियर्स है। तो यहाँ पे अपने मोनोकोट है यानी एक बीजपत्री सब्जियां हैं वो डिस्कस हो चुकी है। नेक्स्ट अपने बात करें अब डाइकोटाइल या फिर डाइकोटाइलडन या फिर द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री में सबसे पहले अपने बात करें एमरेंथस। एमरेंथस में भी देखो छोटी चौलाई बड़ी चौलाई आती है, जो पॉपुलर है वो बड़ी चौलाई है। तो इसका बॉटनिकल नेम है एमरेंथस ट्राइकलर। फैमिली है एमरेंथेसी। एमरेंथेसी फैमिली का दूसरा नाम है चिनोपोडिएसी। अपने पहले भी वीडियो में जिक्र किया था चिनोपोडिएसी, जैसे चिनोपोडियम जैसे बथुआ बिलोंग करता है, चुकंदर बिलोंग करता है, पालक बिलोंग करती है, वो इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्रोमोजोम नंबर 32 भी होते हैं और 34 भी होते हैं। उत्पत्ति स्थल है वो इसका इंडिया है, पर्टिकुलर बात करें तो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया वाला जो भाग है वो। और एडिबल जो पार्ट है इसका, वैसे तो मेनली पत्तियां ही खाई जाती है, लीव्स ही खाए जाते हैं, लेकिन स्टेम और सीड को भी खाने के काम में ले सकते हैं। मेन जो एडिबल पार्ट है वो लीव्स है यानी ये लीफी वेजिटेबल है। नेक्स्ट अपने बात करें बीट रूट। बीट रूट जैसे अपने चुकंदर की बात करें, बीटा वल्गेरिस वेराइटी रूब्रा। फैमिली है इसकी चिनोपोडियसी। और गुणसूत्र संख्या है 18।
उत्पत्ति स्थल है वो मेडिटेरियन रीजन यानी भूमध्य सागर, और जो एडिबल पार्ट होता है वो रूट होता है, सेलन रूट, पुली हुई जो जड़ होती है वो होता है। नेक्स्ट अपने बात करें पालक, पालक का बिट्टा वल्गेरिस वेराइटी बेंगालेंसिस बोलते हैं। फैमिली चिनोपोडियेसी, चिनोपोडियेसी और एम्ब्रेंथेसी मैंने बताया कि एक ही होती है, तो चिनोपोडियेसी बोलते हैं, एम्ब्रेंथेसी बोलते हैं। गुणसूत्र संख्या 2 = 18 यानी 18 ही होती है। नेक्स्ट अपने बात करें ओरिजिन की, तो इसका जो ओरिजिन है वो है इंडो चाइना यानी भारत और चीन, और जो एडिबल पार्ट है खाने योग्य भाग है वो है पत्तियां। नेक्स्ट अपने बात करें स्पिनच, जिसको अपने विलायती पालक बोल देते हैं, बोटनिकल नेम होता है इसका स्पेनिका ओलरेशिया, फैमिली सेमी है चिनोपोडियेसी। यहाँ पे जो अपने पालक की बात कर रहे थे ये देशी पालक है, और स्पिनच को अपने विलायती पालक बोलते हैं। और जो विलायती पालक है उसमें गुणसूत्र संख्या 12 होती है और देशी पालक में 18 होती है। उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल है ईरान यानी साउथ वेस्ट एशिया, और जो खाने योग्य भाग है वो पत्तियां होती है, लीफ होते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें बथुआ, बथुए को पिगवीड या चिनोपोडियम भी बोल दिया जाता है। बोटनिकल नेम है इसका चिनोपोडियम एल्बम, फैमिली चिनोपोडियेसी, और जो एडिबल पार्ट है वो है लीफ। देखो यहाँ पे चिनोपोडियेसी या एम्ब्रेंथेसी से बिलोंग करता है एम्ब्रेंथस यानी चौलाई, बीटरूट यानी चुकंदर, पालक स्पिनच यानी विलायती पालक, और बथुआ। इसमें से अपने बीट रूट को छोड़ दें, बाकी की सारी जो वेजिटेबल है वो कैसी है, लीफी वेजिटेबल है। नेक्स्ट अपने बात करें लेट्यूस, जिसको अपने जैसे लेट्यूस में क्या होता है, एक तो हेड टाइप होता है, एक ओपन टाइप होता है, जिसको अपने लीफी टाइप भी बोल देते हैं। हेड टाइप होता है उसका बोटनिकल नेम है लेट्यूसा स्टाइवस वेराइटी कैपिटेटी, इसकी फैमिली होती है कंपोजिटी, कंपोजिटी को अपने एस्ट्रेशी भी बोल देते हैं। गुणसूत्र संख्या होती है 18। उत्पत्ति स्थल है मेडिटेरियन रीजन यानी भूमध्य सागर क्षेत्र। खाने योग्य भाग पत्तियां भी होता है और तना भी होता है यानी लीव्स भी होती है और स्टेम भी होता है। ओपन टाइप जो लेट्यूस है उसका नाम है लेट्यूका स्टाइवस वेराइटी क्रिस्पा, फैमिली सेम ही है कंपोजिटी या एस्ट्रेसी, क्रोमोसोम नंबर भी सेम है 18, और उत्पत्ति स्थल जो है वो है मेडिटेरियन रीजन यानी भूमध्य सागर, एडिबल पार्ट भी सेम ही है पत्तियां और तना, लीव्स और स्टेम। नेक्स्ट स्वीट पोटेटो, स्वीट पोटेटो बोले तो शकरकंद, बोटनिकल नेम है आइपोमिया बेटाटस, फैमिली है कॉनवोलवेलेसी, गुणसूत्र संख्या है 6 गुणित होता है, ये हेक्जाप्लॉइड होता है, हेक्जाप्लॉइड गुणसूत्र इसके होते हैं 90। अब आपसे पूछ ले हैप्लॉइड कितने हैं, तो ये हेक्जाप्लॉइड है तो कितने से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें हेक्जाप्लॉइड गुणसूत्र तो है 90 और हैप्लॉइड पूछ ले तो कितना हो जाएगा 15, यानी अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 15, 15 15 के 6 सेट है, तो जाहिर से 15 15 के मतलब 6 का एक सेट है तो कितने सेट हो जाएंगे 15, यानी अगुणित गुणसूत्र संख्या होती है इसमें 15, और सीधा आपसे गुणसूत्र संख्या पूछ ले तो 90। उत्पत्ति स्थल है मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका, और खाने योग्य जो भाग है वो है इसका रूट यानी जड़, वैसे जनरली अपने ट्यूबर बोलते हैं, जैसे पोटेटो, पोटेटो में तो स्टेम ट्यूबर होता है, स्वीट पोटेटो होता है उसमें रूट ट्यूबर होता है। तो आपसे पूछ ले एडिबल पार्ट, तो आप कंद समझ के स्टेम मत कर देना, क्योंकि ये जो ट्यूबर होता है ये रूट ट्यूबर होता है जो शकरकंद के अंदर है। आलू वगैरह का सावा में जो ट्यूबर होता है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, ये रूट का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट अपने बात करें कैबेज, कैबेज बोले तो पत्ता गोभी, बोटानिकल नेम है ब्रेसिका ओलरेसिया वेराइटी कैपिटाटा, फैमिली क्रूसीफेरी या क्रूसीफेरी को ब्रेसिकेसी बोल देते हैं या मस्टर्ड फैमिली बोल देते हैं। गुणसूत्र संख्या है 18। उत्पत्ति स्थल है मेडिटेरियन रीजन यानी भूमध्य सागर, और एडिबल पार्ट है वो हेड। पत्ता गोभी जो पत्तियों से इसे समूह बन जाता है तो उसको बोलते हैं अपने हेड। वैसे कैबेज जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा के कैबिचो से बना हुआ है, कैबिचो का मतलब हेड होता है यानी सर होता है। नेक्स्ट अपने बात करें कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, बोटानिकल नेम है इसका ब्रेसिका ओलरेसिया वेराइटी बोट्रिटस, फैमिली सेमी ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी, क्रोमोसोम नंबर भी सेम 18, उत्पत्ति स्थल भी सेम है मेडिटेरियन रीजन या भूमध्य सागर, एडिबल जो पार्ट होता है वो कर्ड होता है। फूल गोभी में जो ये खाने योग्य भाग होता है, फूल वाला जो भाग होता है सफेद कलर का, वो क्या कहलाता है, कर्ड कहलाता है। वैसे कर्ड का मतलब क्या होता है, दही होता है, तो ये भी तो दही की तरह सफेद ही दिखाई देता है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं जो फूल गोभी का एडिबल पार्ट होता है वो कर्ड होता है, और पत्ता गोभी का जो सिर की तरह होता है तो आप सिर याद रखिए यानी हेड होता है। नेक्स्ट अपने बात करें ब्रुसेल्स स्प्राउट, इसको मिनी कैबेज भी बोल देते हैं। ये क्या होता है, पत्ता गोभी जैसा ही दिखता है लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इसका बोटनिकल नेम है ब्रेसिका ओलरेसिया वेराइटी जिमीफेरा, ये यहाँ पे इसका ओरिजिन को भी दर्शाता है। इसका उत्पत्ति स्थल है जर्मनी यानी मेडिटेरियन रीजन का जो जर्मनी एरिया है वो इसका उत्पत्ति स्थल है। फैमिली जो है वो इसकी है ब्रेसिकेसी यानी क्रूसीफेरी, क्रोमोजोम नंबर 18 ही है,
और उत्पत्ति स्थल है वो मेडिटेरियन रीजन, और पर्टिकुलर पूछ ले तो जिमीफेरा यानी जर्मनी। एडिबल जो पार्ट है वो है बड, यानी बड की बजाय अपने स्प्राउट ज्यादा बोले तो ज्यादा ठीक है। इसका जो एडिबल पाउट पार्ट होता है वो स्प्राउट्स होता है। और नेक्स्ट अपने बात करें स्प्राउटिंग ब्रोकली। ब्रोकली जो आपने देखी होगी बाजार में हरे रंग की जैसे फूलगोभी जैसी आती है वो उसको स्प्राउटिंग ब्रोकली बोल देते हैं। बोटेनिकल नेम है ब्रेसिका ओलरेसिया वेराइटी इटालिका। इसके भी नाम से ओरिजिन पता लग जाता है, इटली है इसका ओरिजिन। ब्रॉड एरिया में देखें तो मेडिटेरियन रीजन बोल देंगे। फैमिली है वो है ब्रेसिकेसी और गुणसूत्र संख्या है वो है 18। एडिबल जो पार्ट होता है फ्लावर बड, ब्रोकली तो आपने जनरली देखी होगी, आजकल मार्केट में खूब मिलती है। नेक्स्ट है नोल कॉल जिसको अपने गांठ गोभी बोल देते हैं। ब्रेसिका ओलरेसिया वेराइटी गोनगोलोडस बोल सकते हैं या फिर वेराइटी कोलोरापा भी बोला जा सकता है। फैमिली है ब्रेसिकेसी यानी क्रूसीफेरी, गुणसूत्र संख्या 18 ही। उत्पत्ति स्थल है वो मेडिटेरियन रीजन ही है। और एडिबल जो पार्ट है वो सोलन स्टेम है, यानी जो तने का फूला हुआ भाग है गांठ सी बन जाती है वो इसका एडिबल पार्ट होता है। देखो ये सब जो है यहाँ से अपने कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रुसेल्स स्प्राउट, स्प्राउटिंग ब्रोकली, नोलकोल, इन सब को गोभी वर्गीय सब्जियां बोलते हैं, और इंग्लिश में इनको कोल क्रॉप्स बोला जाता है। कोल क्रॉप्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ठंडे सीजन में होती है, इसलिए अपने इनको क्या बोल देते हैं, कोल क्रॉप बोलते हैं। तो कोल क्रॉप बोल दो या फिर इनको गोभी वर्गीय सब्जियां बोल दो। नेक्स्ट आता है अपना टर्निप। टर्निप बोले तो सलजम। बोटनिकल नेम है ब्रेसिका रेपा वेराइटी रेपीफेरा। फैमिली है ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी, सेमी फैमिली है, लेकिन इनको अपने गोभी वर्गीय में नहीं रखा जाएगा। गुणसूत्र संख्या 20 और उत्पत्ति स्थल है वो है चाइना और इंडिया, चीन और भारत। एडिबल जो पार्ट होता है वो आप अच्छी तरह जानते हैं, एडिबल पार्ट होता है सलजम का रूट होता है, तो एडिबल पार्ट है वो है रूट या। नेक्स्ट है रेडिस रेपेनस टाइवस। फैमिली सेमी है ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी, गुणसूत्र संख्या है वो 18 और उत्पत्ति स्थल है वो यूरोप, और पर्टिकुलर अपने बात करें तो मेडिटेरियन रीजन वाला ही क्षेत्र आता है, भूमध्य सागर वाला ही क्षेत्र आता है। एडिबल पार्ट है वो रूट है, मेन तो रूट ही खाई जाती है, लेकिन कुछ जगह पे अपने पत्तियों से भी सब्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट अपने बात करें कुकरबिटेसी की। कुकरबिटेसी वेजिटेबल में, कमर्शियल वेजिटेबल में देखें तो बहुत बड़ा ग्रुप है। तो सबसे पहले अपने बात करें कुकुम्बर। कुकुम्बर बोले तो खीरा। बोटनिकल नेम है कुकुमिस टाइवस। फैमिली है कुकरबिटेसी, हिंदी में कुसुमाडुकुल भी बोल देते हैं या कद्दू वर्गीय सब्जियां भी बोल देते हैं। क्रोमोजोम नंबर होता है इसमें 14। ओरिजिन है इंडिया भारत, और एडिबल जो पार्ट है वो फ्रूट होता है, अनराइप फ्रूट होता है, यानी कच्चा जो फल होता है वो खाया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें मस्क मेलन। मस्क मेलन बोले तो खरबूज या खरबूजा। बोटनिकल नेम है कुकुमिस मेलो। फैमिली कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी की बात कर रहे हैं, गुणसूत्र संख्या 24। उत्पत्ति स्थल है वो है ट्रॉपिकल अफ्रीका, उष्ण अफ्रीका। एडिबल जो पार्ट है वो है राइप फ्रूट, पका हुआ फल। नेक्स्ट अपने बात करें तो स्नैप मेलन या जिसको अपने फुट बोलते हैं। बोटनिकल नेम है कुकुमिस मेलो। वेराइटी है मोमोर्डिका। फैमिली कुकुरबिटेसी, गुणसूत्र संख्या 24 और उत्पत्ति स्थल है वो ट्रॉपिकल अफ्रीका यानी उष्ण अफ्रीका ही है। खाने योग्य जो भाग होता है, एडिबल पार्ट होता है, वो राइप फ्रूट ही होता है। नेक्स्ट अपने बात करें लॉन्ग मेलन या फिर जिसको काकड़ी बोल देते हैं। बोटनिकल नेम है कुकुमिस मेलो। वेराइटी यूटिलिसिमस। फैमिली कुकुरबिटेसी, गुणसूत्र संख्या 24। उत्पत्ति स्थल ट्रॉपिकल अफ्रीका ही है यानी उष्ण अफ्रीका। एडिबल जो पार्ट होता है वो अनराइप फ्रूट होता है यानी कच्चा, जितना टेंडर होगा उतना ही ये स्वादिष्ट होता है। नेक्स्ट अपने बात करें वाटरमेलन, तरबूज। बोटनिकल नेम है सिट्रुलस लेनाटुस। फैमिली कुकुरबिटेसी, क्रोमोजोम नंबर 22। उत्पत्ति स्थल है वो ट्रॉपिकल अफ्रीका यानी उष्ण अफ्रीका। एडिबल जो पार्ट है वो है राइप फ्रूट, पका हुआ फल। नेक्स्ट अपने बात करें राउंड मेलन। राउंड मेलन बोले तो टिंडा। बोटनिकल नेम है सिट्रुलस लानाटुस वेराइटी फिस्टुलस। फैमिली कुकुरबिटेसी, गुणसूत्र संख्या 24। उत्पत्ति स्थल ट्रॉपिकल अफ्रीका ही है। खाने योग्य जो भाग होता है, एडिबल पार्ट होता है, वो अनराइप फ्रूट होता है। नेक्स्ट है पंपकिन। पंपकिन बोले तो कद्दू। बोटनिकल नेम है कुकुरबिटा मोस्चाटा। फैमिली कुकुरबिटेसी, गुणसूत्र संख्या 40। उत्पत्ति स्थल मेक्सिको से पेरू यानी उष्ण अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका। एडिबल जो पार्ट है वो है कच्चा फल भी खाया जाता है और पका हुआ फल भी खाया जाता है। समर सुक्वेस। समर सुक्वेस का बोटनिकल नेम है कुकुरबिटा पीपो। फैमिली है कुकुरबिटेसी, गुणसूत्र संख्या 40 ही है और उत्पत्ति स्थल मेक्सिको और एडिबल पार्ट है वो फ्रूट है, ये भी कच्चा ही खाया जाता है, अनराइप फ्रूट। विंटर स्क्वेस कुकुरबिटा मैक्सिमा।
फैमिली कुकरबिटेसी, गुणसूत्र संख्या 40, उत्पत्ति स्थल मैक्सिको ही, और एडिबल पार्ट है वो फ्रूट, ये भी अनराइप। बॉटल गार्ड लोकी जिसको बोलते हैं, लिजनेरिया सिसेरिया, बॉटनिक फैमिली कुकरबिटेसी, गुणसूत्र संख्या 22, उत्पत्ति स्थल साउथ अफ्रीका से इंडिया, और एडिबल जो पार्ट है वो फ्रूट वो भी अनराइप फ्रूट, टेंडर फ्रूट, कच्चा फल। नेक्स्ट अपने बात करें बिटर गार्ड करेला, मोमार्डिका चारानाटिया, फैमिली कुकरबिटेसी, गुणसूत्र संख्या 22, उत्पत्ति स्थल है इंडो बर्मा, एडिबल पार्ट है वो फ्रूट है, ये भी अनड्राई फ्रूट ही होगा। रिज गार्ड जिसको अपने तोराइज बोल दिया जाता है, या अपने जिसको रिज गार्ड के लिए बोल देते हैं, जो ऊपर से खुरदरी होती है जिसमें लाइनें सी बनी होती है, तो लसदार तोराई बोल दिया जाता है जिसको, तो रिज गार्ड बोले तो लसदार तोराई। बोटानिकल नेम है लुफा एक्टुंगुलरा, फैमिली है कुकरबिटेसी, गुणसूत्र संख्या 26, उत्पत्ति स्थल एशिया, और जो एडिबल पार्ट है वो फ्रूट, ये भी कच्चा फल ही होगा, अनड्राई फ्रूट होगा। स्पॉन्जी गार्ड यानी चिकनी तोराई, बोटानिकल नेम है लुफा सिलेंड्रिकल, फैमिली है कुकरबिटेसी, गुणसूत्र संख्या 26, उत्पत्ति स्थल है इंडिया यानी आसाम, जो एडिबल पार्ट है वो फ्रूट है, अनड्राई फ्रूट, कच्चा फल ही होगा। पॉइंटेड गार्ड परमल जिसको बोलते हैं, ट्राइकोसेंथस डायोका, फैमिली कुकरबिटेसी, गुणसूत्र संख्या 22, और उत्पत्ति स्थल है वो इंडिया भारत, और जो एडिबल पार्ट है वो फ्रूट अनराइप फ्रूट ही होगा। नेक्स्ट अपने बोले वैक्स गार्ड या फिर एस गार्ड, जिससे बहुत फेमस कैंडी बनाई जाती है, जिसको अपने ज्यादातर आगरा की कैंडी के नाम से जानते हैं, बेनिकासा हिस्पिडा, बोटानिकल नेम है बेनिकासा हिस्पिडा, फैमिली है कुकरबिटेसी, गुणसूत्र संख्या 24, उत्पत्ति स्थल है वो जावा और जापान, और खाने योग्य जो भाग है वो फ्रूट। नेक्स्ट अपने बात करें कसावा, कुकरबिटेसी अपने कंप्लीट हो गया। कुकरबिटेसी में दो ग्रुप देखे आपने, एक तो गार्ड देखा और दूसरा था अपना मेलन। नेक्स्ट अपने बात करें कसावा, कसावा का बोटनिकल नेम होता है मेनी होट एस्कुलेंटा, फैमिली यूफोरबियासी, गुणसूत्र संख्या 36, उत्पत्ति स्थल है ब्राजील, और जो खाने योग्य भाग होता है वो इसका होता है ट्यूबरस रूट। और सब्जियों में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टर वो कसावा की होती है। नेक्स्ट अपने बात करें पी, पाइसम स्टाइवम, वेराइटी लेग्यूमिनेसी या फेबियसी, गुणसूत्र संख्या 14, उत्पत्ति स्थल है वो है सेंट्रल एशिया, और खाने योग्य जो भाग होता है वो है टेंडर सीड यानी पोड से जो सीड निकलते हैं वो। नेक्स्ट अपने बात करें क्लस्टर बीन बोले तो ग्वार, ग्वार की फलियां खाई जाती है, सिमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, फैमिली लेग्यूमिनेसी या फेबियसी, गुणसूत्र संख्या 14, उत्पत्ति स्थल है वो इंडिया, एडिबल पार्ट है वो इसका पोड है, फलियां है, सीड तो अपने नहीं कहेंगे, पोड ही कहेंगे। नेक्स्ट है लिम्बाबिन, सेम फली जो है, फेसोलिस लुनाटस, फैमिली है लेग्यूमिनेसी, और जो गुणसूत्र संख्या है वो 22 है, उत्पत्ति स्थल है वो गुटमेला है, और खाने योग्य जो भाग है वो फलियां पोड है। नेक्स्ट है डोलिचस बीन, लबलब पुरपुरस, फैमिली है लेग्यूमिनेसी, गुणसूत्र संख्या 22 ही है, और उत्पत्ति स्थल है वो इंडिया भारत, और खाने योग्य भाग है वो फलियां पोड। काउपी या लोबिया जिसको बोल देते हैं, वीगना एनगुकुलाटा या वीगना साइनेंसिस, फैमिली लेग्यूमिनेसी, गुणसूत्र संख्या 22, उत्पत्ति स्थल है वो अफ्रीका, और जो खाने योग्य भाग है वो पोड यानी फलियां। नेक्स्ट अगेथी, ससबेनिया ग्रांडीफ्लोरा, फैमिली लेग्यूमिनेसी, और गुणसूत्र संख्या 24, एडिबल जो पार्ट होता है वो फ्लावर बड होती है। नेक्स्ट अपने बात करें फेन्योग्रीक मेथी, ट्राइगोनेला पॉइनिग्रेशम, फैमिली लेग्यूमिनेसी, गुणसूत्र संख्या 16, सब्जियों के रूप में पत्तियां खाई जाती है लीफ, वैसे फेन्योग्रीक का वो एक मसाले वाली फसल भी है, मसाला इसका बीज के रूप में काम आता है, तो यानी सीड स्पाइसेज है, बीज या मसाला है। नेक्स्ट अपने बात करें ओकरा का बोटानिकल नेम है एबल मोस्कस एस्कुलेंटस, फैमिली मालवेसी, गुणसूत्र संख्या 133। कल्टीवेटेड जो भी वेजिटेबल है, लगाने वाली जो सब्जी है, व्यावसायिक सब्जियां जो है, उनमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र संख्या भिंडी के अंदर ही होती है 130। उत्पत्ति स्थल है इसका अफ्रीका, और जो एडिबल पार्ट है वो है फ्रूट, जिसको अपने जनरली कैप्सूल बोल देते हैं। नेक्स्ट बात करें पोटेटो, सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं ये, सोलेनम ट्यूबरसम, फैमिली सोलेनेसी, सोलेनेसी को नाइट सेंट फैमिली भी कहा जाता है, गुणसूत्र संख्या 48, ये टेट्राप्लॉइड है, चार गुणित है,
हैप्लोइड पूछ ले तो आप कितने बताओगे, 12 12 चौका 48 हो जाएंगे। तो टेट्राप्लोइड जो गुणसूत्र संख्या है वो 48। उत्पत्ति स्थल है साउथ अमेरिका, पर्टिकुलर जगह बोलें तो पेरू, और जो खाने योग्य भाग है वो है स्टेम ट्यूबर्स। नेक्स्ट टोमेटो टमाटर, बोटनिकल नेम है लाइकोप्रिस्कम एस्कुलेंटम, फैमिली सोलेनेसी या फिर नाइट साइड फैमिली, गुणसूत्र संख्या 24 और उत्पत्ति स्थल है वो साउथ अमेरिका, सेम पोटेटो वाला ही है पेरू, और एडिबल पार्ट है वो फ्रूट है। नेक्स्ट है ब्रिंजल बैंगन, सोलेनम मेलोंजना, फैमिली सोलेनेसी, गुणसूत्र संख्या 24, उत्पत्ति स्थल इंडो बर्मा, और जो एडिबल पार्ट है वो फ्रूट होता है। नेक्स्ट अपने बात करें स्वीट पेपर, कैप्सिकम एनम, फैमिली सोलेनेसी, गुणसूत्र संख्या 24, उत्पत्ति स्थल मैक्सिको यानी ट्रॉपिकल अमेरिका, और एडिबल पार्ट है वो फ्रूट। नेक्स्ट अपने बात करें चिल्ली, कैप्सिकम प्रोटेसेंसिस, फैमिली सोलेनेसी, गुणसूत्र संख्या 24, उत्पत्ति स्थल है वो है मैक्सिको, एडिबल पार्ट है वो फ्रूट। नेक्स्ट अपने बात करें कैरेट, कैरेट बोले तो गाजर, डेकस कैरोटा, फैमिली अम्बेलीफेरी या फिर इसको एपीएसी बोल देंगे, गुणसूत्र संख्या है 18, उत्पत्ति स्थल है वो है अफगानिस्तान, और जो खाने योग्य भाग है वो है रूट। नेक्स्ट अपने बात करें कोरिएंडर, कोरिएंडर की पत्तियां हैं वो मसाले के रूप में और सीड भी मसाले के रूप में ही नाकाम में लेते हैं, बोटानिकल नेम है कोरिएंडर स्टाइवम, फैमिली अम्बेलीफेरी या फिर एपीएसी बोल देंगे, गुणसूत्र संख्या होती है 22, और सब्जियों में काम में ले लेते हैं, बीच में साग वाग बनाने के साथ अकेला शुद्ध रूप से तो नहीं बनाते हैं, तब अपने लेते हैं लीफ यानी पत्तियां काम में लेते हैं, बाकी सीड होते हैं वो सीड स्पाइसेस के रूप में काम आते हैं। तो ये अपना वेजिटेबल क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू।